नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सफर आपके साथ न्यूज। राजधानी दिल्ली में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए कई संस्थाएं आगे आ रही हैं, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जो अपने धर्मगुरुओं के नाम पर गरीबों की मदद लगातार कर रही हैं। एक निजी संस्था द्वारा आज दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल्स में मरीजों को फलों की टोकरी व सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े वितरित किए गए। डेरा सच्चा सौदा द्वारा अस्पतालों में मरीजों को फल वितरण। डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पाताशाही परम पूज्य शाह सतनाम सिंह जी महाराज की पवित्र याद में दिल्ली की साध संगत द्वारा व देश के विभिन्न राज्यों में शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों द्वारा मरीजों की मानवता भलाई कार्य के तहत फल की 31,411 टोकरियाँ वितरित की गयी। डेरा सच्चा सौदा की तीसरी पातशाही संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा मानवता भलाई के 135 कार्य चलाए जा रहे हैं। उसी कड़ी के तहत यह कार्य सात संकट आज मिलकर कर रहे हैं। आज श्रद्धालु दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल, अंबेडकर अस्पताल, संजय गांधी अस्पताल, एसडीएन अस्पताल, सफदरगंज अस्पताल, लाल बहादुर अस्पताल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, राजा हरिश्चंद्र अस्पताल, अन्य कई हॉस्पिटल्स में जरूरतमंदों मरीजों को फल की 4300 टोकरी वितरित की गई। इस मौके पर जिम्मेवार सेवादारों ने बताया कि डेरा सच्चा सौदा की साध संगत दिसंबर महीने को याद मुर्शिद के रूप में मानती है, जिसके तहत अनेकों मानवता भलाई कार्य किए जाते हैं। मेरा नाम नरेंद्र कुमार इंशा, डेरा सच्चा सौदा साध संगत का एक सदस्य हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। कितने हॉस्पिटलों में आज फल वितरण करने जा रहे हैं? आज हम 8 हॉस्पिटलों में जो पेशेंट एडमिट हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनमें जो बेड पे एडमिट हैं, उन सबको आज फल वितरित किया जा रहा है, सबको फल फ्रूट दिया जा रहा है। आज 6,600 कुछ फल फ्रूट की टोकरियाँ हैं जो सभी हॉस्पिटलों में हैं, जैसे संजय गांधी हॉस्पिटल मंगोलपुरी और अंबेडकर हॉस्पिटल, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल और आपका राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल और सफदरजंग और एम्स है और कई हॉस्पिटल हैं। दिल्ली के कई बड़े हॉस्पिटल, हाँ कई बड़े हॉस्पिटलों में ये दिया जा रहा है। अभी सर्दी का भी मौसम है, तो क्या दोबारा कपड़े वितरण या कंबल वितरण करेंगे? हम पिछले 2 सप्ताह से पिछले कपड़े वितरण कर रहे थे, जो नेत्रहीन हैं, अपाहिज हैंडीकैप्ड हैं, जो गरीब हैं, अति गरीब हैं, उनको पिछले 2 हफ्ते हमने कपड़े वितरित किए हैं, उनके पूरे पूरे कपड़े दिए हैं, जैकेट दिए, कंबल दिया है, पहनने के जूते, जुराब और गर्म कपड़े सभी को दिए गए हैं। तो अब की बार हमने ये फल फ्रूट के बारे में सोचा है कि हमारे पास बात आई है समाज से कि भाई उन गरीब पेशेंटों को भी फल फ्रूट दिया जाए या कुछ। आज फल वितरण किया जा रहा है हॉस्पिटलों में, इसके बाद क्या लग रहा है, क्या हो सकता है वितरण इसमें समाज को? पहले मैं सबसे पहले सब भाइयों का वेलकम करती हूँ, बहुत अच्छा लगा जो आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, हमें भी मौका मिला, तो सबसे पहले ये समाज को बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी, जो हम मानवता भलाई के काम बाबा जी ने चलाए हैं, गुरु जी ने, तो हम उनसे शिक्षाओं पे चलते हैं, जैसे हमें संदेश आता है तो हम सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। आज कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आज हम हॉस्पिटल में दीनदयाल हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ये वितरण करनी है, ये टोकरियाँ करनी है हमें, तो बाबा जी गुरु जी ने बताया जो भी मानवता भलाई के काम है तो हम बढ़ चढ़ कर सेवा करते हैं। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए सफर आपके साथ के साथ।